कितने लोग फर्स्ट डे यात्रा कर रहे हैं अपने डेमो ट्रेन में? रेलवे स्टेशन पर सामने आप जो लाइन देखो, आपको दिखाता हूँ इस साइड आप जो लाइन। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है महेश दोसा। गंगापुर सिटी के लोगों को जिस रूट के खुलने का बेसब्री से 28 सालों से इंतजार था, फाइनली आज वो खुलने जा रहा है। हाँ जी, आपने सही समझा, आज की अपनी यात्रा होने वाली है दोसा से गंगापुर सिटी वाया लालसोट। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एकदम नया रूट है और इसी सेक्शन पर ही राजस्थान की सबसे लंबी टनल भी मौजूद है। ट्रेन का टाइमिंग, फेयर, सभी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैसे ट्रेन का यहाँ पर आने की टाइमिंग है सुबह 11:05, अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो करीबन 1 घंटे का समय अपने पास है। मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पर। पर उससे पहले जो स्टेशन पर ट्रेन के शुभारंभ के लिए स्टेज लगाई गई है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये स्टेज लगाई गई है। सामने आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, दोसा गंगापुर सिटी 95 किलोमीटर की ये दूरी है और आज शुभारंभ है। और आप नीचे देख सकते हो 16 मार्च 2024, तो आज इस सेक्शन पर पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है दोसा से गंगापुर सिटी वाया लालसोट। तो गाइस, अब मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पर। कुछ ही समय बचा है अपनी ट्रेन को आने में क्योंकि टाइम हो चुका है 10:30 और 11:05 पर ट्रेन का अराइवल है। मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पर। सो गाइस, यहां पर अपनी डेमू ट्रेन आ चुकी है, अजमेर गंगापुर सिटी डेमू ट्रेन। सभी डिटेल आपको टाइमिंग वगैरह बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे डेकोरेशन की जा रही है अपनी डेमो ट्रेन की, आपको दिखाते हैं। तो ये डेकोरेशन की जा रही है, मालाएं लगाई जा रही है क्योंकि दोसा से और गंगापुर सिटी तक ये पहली बार आज पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है। सो गाइस, यहाँ पे फ्रेंड्स भी देख सकते हो अपनी डेमो ट्रेन को, जो कि अब पहली बार जाने वाली है गंगापुर सिटी की ओर। सो गाइस, अब आपको फ्रेंड से तो दिखा दिया किस तरह से डेकोरेशन की जा रही है, अब इसको टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 09605 अजमेर गंगापुर सिटी डेमू ट्रेन वीक में 6 दिन संडे को छोड़कर सुबह 7 बजे अजमेर से रवाना होगी, 9:45 पर जयपुर पहुँचेगी और सुबह 11:05 पर दोसा पहुँचेगी और दोपहर के 2 बजे यह गंगापुर सिटी पहुँच जाएगी। रिटर्न में वापस सेम डे 09605 गंगापुर सिटी अजमेर डेमू ट्रेन वीक में वही 6 दिन चलने वाली है संडे को छोड़कर, दोपहर 3 बजे रवाना होगी गंगापुर सिटी से, शाम 5:35 पर दोसा पहुंचा देगी, 7 बजे जयपुर पहुंचेगी और जयपुर से अजमेर के बीच टाइमिंग सेम पहले वाली ही रहने वाली है। दोसा से गंगापुर सिटी के बीच ये 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 2:45 में, ये इसकी कुछ टाइमिंग होने वाली है। और दोसा से गंगापुर सिटी का इसका फेयर मात्र 25 रुपये है, 25 रुपये में आप दोसा से गंगापुर सिटी तक डिस्टेंस कवर कर सकते हो 2:45 में। अब मिलते हैं इस ट्रेन के डिपार्चर पर। सो गाइस, यहाँ पर देखिए आप कितने लोग ओनली ट्रेन को देखने के लिए आए हैं। पहली ट्रेन यहाँ पे चली है। अरे फ्री, आज फ्री, आज फ्री है, फ्री नहीं, फिर 25 रुपये। मेरे को लग रहा है रास्ते में और भीड़ चढ़ेगी। गाड़ी अब हमारी घूम रही है गंगापुर सिटी की तरफ। रील बना रहे 10 डिब्बे हैं से। ये
हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं दौसा गंगापुर सिटी रूट के पहला स्टॉपेज बनियाना, स्टेशन कोड है BNYNA और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और ऑलरेडी ट्रेन है ना डिले चल रही है अभी, तो इस कारण से ज़्यादा टाइम अपन बाहर नहीं रुकेंगे। और यहाँ पे क्रेज़ देखिए लोगों में, सभी लोग यहाँ पे ट्रेन को ओनली देखने के लिए आए हैं और कंप्लीट ट्रेन भी फुल है। सो गाइस, लोगों में क्रेज देखिए और ऊपर ब्रिज पे भी आप देख सकते हो ओनली ट्रेन को देखने के लिए। और गाइस यहाँ पे अंदर का भी सीन देख सकते हो, कितने लोग फर्स्ट डे यात्रा कर रहे हैं अपनी डेमू ट्रेन में। और अब से ये रोजाना चलेगी, पर कल नहीं चलेगी क्योंकि कल है संडे, पर मंडे से ये रेगुलर रन होने वाला है इस ट्रेन का, ओनली संडे को इसको नहीं चलाया जाएगा। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं नानगढ़ राजा बतान, स्टेशन कोड है NGR WT और यहाँ पर इस ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉपेज है। ट्रेन ऑलरेडी डिले चल रही है, यहाँ पर 11:44 पर ट्रेन का आने की टाइमिंग है, जब दौसा से गंगापुर सिटी की ओर जाएगी और गंगापुर सिटी से दौसा की ओर आएगी तब इसका टाइमिंग है 5:02 का। गाइस यहाँ पर ओनली एक ही प्लेटफॉर्म है, इस साइड आप देख सकते हो ट्रैक भी नहीं है, ओनली एक ही ट्रैक है, एक प्लेटफॉर्म एक ट्रैक। अजमेर से गंगापुर आज चलो होगी ना ट्रेन, नागर राजस्थान से आ गया। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं सलेमपुर और यहाँ पर ट्रेन का आने की टाइमिंग थी 11:57 पर और कल तो इसका हॉलीडे रहेगा, पर परसों से ये 11:57 पर ट्रेन का यहाँ पर अराइवल रहेगा और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। और यहाँ पर क्रेज देखिए लोगों में, ओनली सभी ट्रेन को देखने के लिए आए हैं। आगे इस साइड देखोगे ना आप, आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है गाइस, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए 12:10 हो चुके हैं और 11:57 पर ट्रेन के आने की टाइमिंग थी। आपको एक बार इंटीरियर और दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल डेमू ट्रेन की तरह ही इसमें भी इंटीरियर, यहाँ पर आपको खड़े होने के लिए मिल जाएगा, इसे आप पकड़ कर खड़े हो सकते हो। इस तरह से आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है, यहाँ पे लगेज स्पेस मिल जाएगा और ऊपर फ़ैन और यहाँ पे लाइटें मिल जाएंगी। इस साइड ओनली स्विचेज मिलेंगे ओनली फ़ैन के लिए, पर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की सुविधा नहीं है, आप फ़ोन चार्जिंग नहीं लगा सकते, इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है आपको, फ़ोन वगैरह आप चार्ज नहीं लगा सकते। पर आपको वॉशरूम की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इस साइड आप देख सकते हो वॉशरूम मिल जाएगा। तो पहुंच चुका है डिडवाना, स्टेशन कोड है DDWNA और यहाँ पर ट्रेन का आने की टाइमिंग है 12:05, 1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है, पर रिटर्न में ये ट्रेन आएगी गंगापुर सिटी से दौसा की ओर, तो यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग है 4:41, 1 मिनट का स्टॉपेज रहेगा और यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म है डिडवाना रेलवे स्टेशन पर। गाइस अब आपको राजस्थान की सबसे लंबी टनल दिखाने वाले हैं जिसका डिस्टेंस 2.7 किलोमीटर का है। लोगों में क्रेज देखिए, कितना क्रेज है, यहाँ पर स्कूल के बच्चे यहाँ पर ओनली ट्रेन को देखने के लिए आए हैं। देखिए
पहुंच चुके हैं लाल सोट स्टेशन, कोड है LLSOT और यहाँ पर ट्रेन का ओनली 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। ट्रेन का यहाँ पर आने की टाइमिंग है 12:16, जब ये रेगुलर रन भी चलेगा तो भी 12:16 पर आएगा, क्योंकि आज इनॉग्रल रन नहीं है पर फर्स्ट रन है ये। तो ये कुछ टाइमिंग है और गाइज लोगों में क्रेज देखिए, 28 सालों के इंतजार के बाद पहली बार लाल सोट में पैसेंजर ट्रेन आई है। होगा गाइज क्रेज तो इतना तो। और गाइज स्टेशन देखिए क्या शानदार लग रहा है, सामने पहाड़ियों के नज़ारे और इतना शानदार स्टेशन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और वॉशरूम की फैसिलिटियाँ सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो गाइस यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मैंने पता किया है कि वो बता रहे थे कि गंगापुर सिटी से दौसा तक पहले बसों में करीबन 90 से 100 रुपये का फेयर आता था, और इस ट्रेन के द्वारा आप जाते हो दौसा से गंगापुर सिटी तक तो मात्र 25 रुपये में आप गंगापुर सिटी पहुंच जाओगे। और उस मतलब बस के द्वारा जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इससे आप 2 घंटे 45 मिनट में आप गंगापुर सिटी पहुंच जाओगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं बिनोरी, स्टेशन कोड है BINRI और यहाँ पर ट्रेन का ओनली 1 मिनट का स्टॉपेज है। वैसे यहाँ पर ट्रेन का आने की टाइमिंग है 12:24 और अभी टाइमिंग हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ 12:45। ऑलरेडी ट्रेन डिले चल रही है क्योंकि आज थोड़ा इनॉग्रल टाइप का है ना, तो इस कारण से थोड़ा बीच में इतना ज़्यादा भीड़ है इसलिए थोड़ा डिले चल रही है ट्रेन, पर गंगापुर सिटी है ना बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच जाएगी क्योंकि 2 बजे का टाइमिंग है तो पहुंच जाएगी आराम से मुझे लग रहा है। इस ट्रेन के चलने से काफ़ी लोग है ना खुश हैं क्योंकि 28 साल का इंतज़ार के बाद ये ट्रेन चली है। तो गाइस ऑपरेटिंग स्पीड भी आप देख सकते हो अभी 77 के करीब ये रफ्तार से चल रही है अपनी डेमो ट्रेन। तो गाइस टाइमिंग हो चुका है 12:56 और हम आ चुके हैं मंडावरी, स्टेशन कोड है MNDWR और यहाँ पर ट्रेन का आने की टाइमिंग थी 12:34 और 1 मिनट का ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज रहने वाला है, मतलब इतने उतरते हैं ना उससे पहले होंकिंग हो जाती है। वैसे गाइस क्रेज बहुत है लोगों में, तो चलते हैं अब। आज ही तो हम पहुंच चुके हैं पिपलाई और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक ही प्लेटफॉर्म है और ये आता है NWR जोन में, और ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज है 2 मिनट का। यहाँ पर ट्रेन के आने की टाइमिंग है 12:49 और 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज रहेगा, ये कुछ टाइमिंग है। और यहाँ पर देखिए लोग देखने के लिए कितने सारे बाइकों से आए हैं। चलाओ जी ने
52 और यहाँ पर ट्रेन की पहुँचने की टाइमिंग थी 12:59 और अभी करीबन 1:25 हो चुका है। देखिए कितना डिले चल रही है और होंकिंग हो चुकी है, अभी मैं उतरा ही था बस। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो कि दौसा गंगापुर रेल प्रोजेक्ट है इसकी लागत लगभग 781 करोड़ रुपये की आई है। ट्रेन पहुंच चुके हैं कुंटला और इससे अगला स्टेशन है उदयकला, उससे अगला स्टेशन होगा डेमू ट्रेन की डेस्टिनेशन यानी गंगापुर सिटी। ट्रेन का यहां पर आने की टाइमिंग है 1:09। स्टेशन कोड हो जाता है KHNTL और क्रेज देखिए गाइस, क्रेज क्या क्रेज है लोगों में। वैसे उदयकला रेलवे स्टेशन को मैं स्किप मारने वाले हैं क्योंकि आपको पता है आपके लिए ब्लॉग देना है जल्द से जल्द, तो इस कारण से हम स्किप मारने वाले हैं। अब आपको मिलते हैं गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस अब हम एंटर कर रहे हैं गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर और सामने आप जो लाइन देखो आपको दिखाता हूँ। इस साइड आप जो लाइन देख रहे हो ये है दिल्ली मुंबई मेन लाइन और अभी एंटर कर रहे हैं हम गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। सो फाइनली गाइज अब हम आ चुके हैं डेमू ट्रेन की डेस्टिनेशन यानी कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन और हम लोग यहां पर पहुंचे हैं 24 मिनट की देरी के साथ। ट्रेन का यहां पर अराइवल था 2 बजे और हम लोग यहां पर पहुंचे हैं 2:24 पर। जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, आपको जर्नी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जर्नी पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द आपको मिल जाए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, इसी तरह हमारे साथ इंडियन रेलवे के साथ ट्रैवल करते रहिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन।